तो गाइस इस जगह का नाम है चोगाल और जहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है उसका नाम है बिलिंग और वीर एक बीच में गांव पड़ता है तो इसलिए इसको वीर बिलिंग बोलते हैं जहाँ से जैसे कैसा दिखता है हिमाचल प्रदेश ऊपर हवा से। और यहाँ से जो है क्राफ्ट स्टार्ट होता है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे क्राफ्ट अभी चल रहे हैं। अभी शाम का टाइम है तो व्यू उतना अच्छा नहीं हुआ है। यहाँ से कुछ लोग यहाँ से जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं मतलब यहाँ से प्रिपेयर कर रहे हैं। सो गाइस प्रिपरेशन हो गई है, हेलमेट डाल लिया है, गियर अप हो गए हैं। थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की सी नर्वसनेस भी हो रही है। देखते हैं कितना मज़ा आता है। ये देखो सो गाइस आई एम योर कैप्टन स्पीकिंग और फ्लाइट रेडी हो रही है फ्लाई करने के लिए। कृपया अपनी सीट बेल्ट की पेटी बांध लें। इससे पहले मैंने कभी पैराग्लाइडिंग नहीं की है, हालांकि मेरा ट्रेनर मेरे साथ है, बट स्टिल फ्लाइंग लाइक अ बर्ड नर्वसनेस तो हो ही जाती है यार। भाई पागल है, रेडी है? हाँ चलो भागो 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 यार। टेक ऑफ करना इतना आसान नहीं था, बट जैसे ही पैरों के नीचे जमीन खत्म हुई मानो एक पल के लिए मेरी सांसें रुक सी गई थी और वो एक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। कैसा लग रहा है भाई? अलग ही टाइप का लग रहा है। छोड़ो हाथ, छोड़ दूँ? हाँ आराम से बैठो, बिल्कुल इसको डालो अंदर। ओके सीधे बैठ जाओ। हाँ सीधे ओके बैठो, कोई टेंशन नहीं। ओके बस ऐसे ऊपर से लैंडस्केप देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है और अभी मैं बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के वादियों में उड़ रहा हूँ और सारा शहर मुझे ऊपर से साफ दिखाई दे रहा है और मेरे सामने सारी पहाड़ियाँ हैं और एक बहुत ही शानदार सनसेट व्यू भी दिखाई दे रहा है। वाओ कैप्टन साहब से कह रहा हूँ मैं यार गुड़गांव ही छोड़ दो यहाँ से, कहाँ बाइक से जाऊँगा। में से बहुत लोगों ने एयरप्लेन की विंडो से जरूर झांक के नीचे देखा होगा, लेकिन ऐसे जब ऊपर आकाश और आपके बीच में कुछ ना हो और नीचे सीधे जमीन आपको साफ दिखाई दे रही हो, ऐसे में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस है। सीरियसली इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो दोस्तों कैसा लगा व्यू कमेंट करके बताइएगा प्लीज। मजा आ गया। तो गाइस ये है दुनिया के सबसे नंबर वन पैराग्लाइडिंग विद बिलिंग की। हवा नॉर्मल इतनी रहती है हमेशा? हवा के झोंके आ रहे हैं ना तो पूरी फ्लाइट ऊपर चले जा रही है। सो गाइस पैराग्लाइडिंग तो हो गई है कंप्लीट, अभी मैं जा रहा हूँ सीधे होटल पे अपने और बाकी की कहानी बाकी के सीन आगे डिस्कस करते हैं होटल में जाके। अभी थोड़ा सर भी घूम रहा है। सो गाइस ये वो जगह है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, होम स्टे है बेसिकली। सो गाइस मैं यही रिकमेंड करूँगा जब भी आप अगर बिलिंग आते हैं यहाँ पे और पैराग्लाइडिंग के किसी भी घूमने के पर्पज़ से आते हैं तो कोई भी होम स्टे ले लें, 500 से 800 से 1000 तक का आपको अच्छा सा होम स्टे मिल जाएगा। और एक्चुअली डिपेंड करता है कि उस टाइम पे कितनी डिमांड है उस हिसाब से रेट चेंज हो जाते हैं।
कोशिश करें अपना जो होम स्टे है वो थोड़ा पैराग्लाइडिंग वाली एरिया से थोड़ा नज़दीक लें, ताकि आपको सुबह अगर जल्दी जाना हो या फिर शाम को वहाँ से जाने में दिक्कत ना हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो इस ट्रिप से रिलेटेड या फिर इन जगहों से रिलेटेड जहाँ जहाँ मैं गया था या कैसे जाना है, कुछ भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। सी यू सून।